चलिए आज जानते हैं हम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आपके पीएफ से रिलेटेड जो भी हुए हैं ड्यू टू कोविड, उसमें आपका जो पीएफ ट्रांसफ़र है उसका प्रोसीजर ऑनलाइन कैसे होता है थ्रू ईपीएफओ पोर्टल, इस चार्ट से मैं आज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और होप करती हूँ कि ये जो चार्ट है थोड़ा सा इसमें ग्राफ आपको थोड़ा सा डल नज़र आएगा, बट स्टिल मैंने जो बनाया है इसमें आपको जो वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर होंगे, नहीं तो आप अटेंटिवली मेरी वीडियो को सुन सकते हैं सो दैट आप इसको ग्राफ कर सकें। तो जो ईपीएफ है वो एम्प्लॉय का, जब भी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है, बट कोविड के अंदर हमारे कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके थ्रू अब आप ऑनलाइन पीएफ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूएएन नंबर दिया जाता है जिससे कि आपको जो भी आप अपना ट्रांजैक्शन करेंगे ईपीएफओ का वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू ही कर पाएंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको ज़रूरी होते हैं जो केवाईसी होते हैं, यानी कि इसमें आपकी पर्सनल डिटेल एज एन एम्प्लॉय भरी जाती हैं तो वो भी आपको भरनी है। अब प्रोसीजर जो होता है टू ट्रांसफ़र पीएफ ऑनलाइन वो क्या होता है, मैं उसके स्टेप्स आपको बताती हूँ कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है यूनिफाइड पोर्टल पे जाके बाय यूजिंग द क्रीडेंशियल, यानी कि आपका यूएएन नंबर जो आपको दिया गया है और उसका पासवर्ड डाल के आप अपना ऑनलाइन होंगे। फिर उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो क्लिक ऑन वन मेंबर, अब वन ईपीएफ अकाउंट जो आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है अंडर ऑनलाइन सर्विस के अंदर आपको दिख जाएगा, जब आप ओपन करेंगे तो उस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है, यानी कि यूएएन नंबर जब आपका आ जाता है तो आप वन नंबर वन मेंबर पे क्लिक करेंगे और वन ईपीएफ अकाउंट पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आपको मिलेगा। आप जो सेकंड पार्ट है उसमें चेक कर सकते हैं, जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप थ्री के अंदर वेरीफाई पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पीएफ अकाउंट फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब आपको क्योंकि जो केवाईसी हमने भरी हुई है, यानी कि आपका नेम वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर और आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर जो भी आपको दिया गया है वो सब आप वेरीफाई करेंगे और अपनी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट यानी कि जिसमें अभी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपने प्रीवियस से कोई चेंजेस किए हैं और प्रेजेंट में कुछ चेंजेस हैं तो आपको वो चेंजेस के साथ ही आपकी वेरिफिकेशन इसमें फिल करनी है, जिसके अंदर आपका यूएन नंबर भी आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आएगा, आपका नेम भी आएगा, फादर नेम भी आएगा, पीएफ अकाउंट नंबर भी आएगा, ये और आपके जो भी रिलेशनशिप है नॉमिनी के साथ वो सब डिटेल्स यानी कि जो आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन के अंदर आती है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप पीएफ अकाउंट नंबर की डिटेल को प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में अगर आप क्लिक करके देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस अकाउंट में भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको स्टेप करना है वो ये करना है, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर का और करंट एम्प्लॉयर का, कि आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से देखना चाह रहे हैं अपना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या करंट से करना चाह रहे हैं। तो अगर आप करंट एम्प्लॉयर को कर रहे हैं तो क्लेम फॉर्म उसकी बेस्ड पे जो अवेलेबिलिटी है आपकी साइनिंग अथॉरिटी की, डीएससी की, उस पर जाके आपको क्लिक करना है, उस पर आपको चूज़ करना है कि आपकी एम्प्लॉयर्स और उनका जो दिया गया मेंबरशिप नंबर यानी कि यूएएन नंबर आपका क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक ओटीपी मिलेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यूएएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने उस फॉर्म में फिल किया था उसी पर ही ओटीपी आएगा और वो ओटीपी भर के आपको क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि अथेंटिकेशन हो जाती है कि आप सेम एम्प्लॉय हैं सो दैट कि ये कहीं और गलत पर्सन को ना ट्रांसफ़र हो जाए।